हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट आर्यंस की लाइफ में। तो हम देख लेते हैं कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या सीन था। इकोनॉमिक लाइफ तो वैदिक पीरियड वालों की पेस्टोरल होती थी, लेटर वैदिक पीरियड वालों की सिडेंट्री होती थी। सिडेंट्री एग्रीकल्चर मतलब वो सेटल हो गए थे, एक ही जगह पर रहते थे, वहाँ खेती बाड़ी करते थे। वैदिक पीरियड के बारे में पहले बात करते हैं। ये लोग काओ बुल हॉर्स रखते थे, बार्ले वीट और एडिबल नट्स की खेती करते थे, वुड मेटल एनिमल स्किन और लेदर बेस्ड इनकी क्राफ्ट्स होती थी। वाइल लेटर वैदिक पीरियड जो थे कैटल्स और बफेलोज रखते थे प्लोइंग के लिए, बार्ले राइस वीट की खेती करते थे। PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर एक सोफेस्टिकेटेड फाइन पोटरी का टाइप था, वो इनके क्राफ्ट्स में थी। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, हर्डिंग होती थी, पास्टर लैंड होता था ताकि उनको चारा खिला सकें। लैंड टेरिटरी जो थी उसकी रिकग्निशन एबसेंट थी, काओ बुल हॉर्सेज रखते थे, काओ बहुत प्रेशियस पोजीशन होल्ड करती थी और शैरियट्स स्पोक्ड व्हील के होते थे, हॉर्स से चलने वाले, और बहुत कम सा एग्रीकल्चर होता था, एज इन की सेडेंटरी एग्रीकल्चर बहुत कम होता था। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सेमी नोमैडिक नहीं थे, अब लोग सेटल हो चुके थे, डाइवर्स क्राफ्ट था और डिशेज और बोल्स पेंटेड ग्रे पोटरी स्पेसिफिकली थी, सोफेस्टिकेटेड होती थी वो, और टेक्नोलॉजी नॉर्थ इंडिया में इमर्ज होने लगी थी। आयरन टेक्नोलॉजी 1000 BCE के अराउंड यूज़ होनी शुरू हो गई थी। आयरन के बारे में अवेयर थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज बताते हैं, लेकिन कोई बहुत इसका कॉमन यूज़ नहीं था। ठीक है, आयरन के वेपन्स बनते थे और टूल्स भी बनते थे, लेकिन कोई नॉर्मल लाइफ में इतना इसका या इकोनॉमिक लाइफ में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। पॉलिटिको मिलिट्री लाइफ के अंदर इसका यूज़ था, ग्लास को भी डिस्कवर कर लिया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट कीजिए।